गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि पब्लिक फाइनेंस से के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये एक यूनिट है, एक तरीके से इसका यूनिट का नाम है इंडियन पब्लिक फाइनेंस। कुछ लोगों ने बोला था कमेंट सेक्शन में पिछली वीडियोस में कि फेडरल फाइनेंस के बारे में कुछ बताइए, तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इंडियन पब्लिक फाइनेंस के अंदर दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहली यूनिटरी फाइनेंस और दूसरी फेडरल फाइनेंस। यूनिटरी फाइनेंस को हम हिंदी में कह सकते हैं कि एकात्मक वित्त व्यवस्था, और फेडरल फाइनेंस को कह सकते हैं संघात्मक वित्त व्यवस्था। तो सबसे पहले यूनिटरी फाइनेंस के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। यूनिटरी फाइनेंस के अंदर होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर देश में उसके इनकम्स और एक्सपेंस पे केवल एक ही प्रकार के गवर्नमेंट का हक होता है, अधिकार होता है या कंट्रोल होता है, तो कुल प्राप्त की जाने वाली इनकम को, जो टोटल इनकम जो हमने प्राप्त की है, जो हमने गेन की है, उसे एक सरकारी कोष में जमा, यू कैन से दैट इट इज़ डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट्स, सरकारी कोष में जमा करा दिया जाता है और उसी से एक्सपेंस किए जाते हैं। और तीन प्रकार की हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तीनों प्रकार की गवर्नमेंट अपनी अपनी इनकम को इन्हीं अकाउंट्स में जमा कर देती है और इसी इन्हीं अकाउंट से एक्सपेंस किया जाता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यूनिटरी पब्लिक फाइनेंस में कि यह ओवरऑल वी कैन से दैट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट, और यू कैन से इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ वन गवर्नमेंट, एंड ऑल द इनकम्स विच इज़ गेन्ड बाय ऑल द थ्री गवर्नमेंट्स आर डिपॉजिटेड इनटू अ सिंगल अकाउंट फ्रॉम विच ऑल द एक्सपेंसेस आर मेड बाय देम कलेक्टिवली, और यू कैन से यूनाइटेडली। दैट्स व्हाई इट इज़ सेड दैट यूनिटरी फाइनेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंडियन पब्लिक फाइनेंस में ही फेडरल फाइनेंस, यानी कि संघात्मक वित्त व्यवस्था। इसमें आ जाता है कि इस तरीके की फेडरल फाइनेंस में तीनों सरकार अलग अलग होती हैं, यानी कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट आर डिफरेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, और यू कैन से इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। तो इसमें बात यह आ जाती है कि तीनों गवर्नमेंट अपने अपने एरिया, जो कि उनको एरिया प्रोवाइड की गई है, उस एरिया में वो लोग काम करने के लिए फ्री हो जाते हैं कि आपको जैसे मन जाए वैसे काम उस एरिया में कर सकते हैं। और फ्री का मतलब कह सकते हैं कि वो लोग जैसे मन चाहे उस प्रकार से वहाँ से आप इनकम जनरेट करिए, आप वहाँ पे अपने प्रकार से जैसे मन चाहे वैसे एक्सपेंस करिए। तो तीन प्रकार की सरकार जैसे मन चाहे वैसे एक्सपेंस कर सकती है उस एरिया, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में। तो यहाँ पे बात आ जाती है इनकम गेन करने की। तो इस इनकम गेनिंग सिस्टम में भी वो अपने प्रकार से इनकम गेन कर सकती है, और इस तरीके की सिस्टम में स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, यू कैन से अलग अलग कोष होते हैं। तो अलग अलग सरकार जो जो इनकम अपनी अर्न करती जाती है वो इन्हीं कोषों में डायरेक्टली जमा करती जाती है, और जब उनको एक्सपेंस करना होता है तो वो अपने उन्हीं कोषों से में से एक्सपेंस करते हैं, और उन्हें ऐसी व्यवस्था प्रदान कर दी जाती है कि वो अपना एक्सपेंस करने के लिए फ्री हो जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे डिफरेंस यूनिटरी और फेडरल में यही है कि यूनिटरी में एक ही अकाउंट्स में जमा होता है और उसी अकाउंट से सब लोग एक्सपेंस करते हैं, तीनों प्रकार की गवर्नमेंट। और इसमें क्या है फेडरल में कि हर एक सरकार का अलग अलग से अकाउंट डिवाइडेड है, जिसमें से वो अपना इनकम अर्न करती हैं और उसी से अपना एक्सपेंस करती हैं। तो यही एक बात आ जाती है दोनों में डिफरेंस की, यही की पॉइंट ऑफ डिफरेंस है यूनिटरी पब्लिक फाइनेंस, यूनिटरी फाइनेंस और फेडरल फाइनेंस में। अब बात आ जाती है प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस।
इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसके अंदर हमें यह बताया गया है कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को अपने अपने एरिया में अपने अपने ढंग से एक्सपेंस करने के लिए उन्हें फ्रीडम प्रोवाइड कर दी जाती है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो एवरी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कैन डू देयर वर्क इन अ फ्री मूड, मतलब वो आसानी से फ्री होके अपने अपने कामों को अपने अपने एरिया में पूरा कर सकते हैं। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल फाइनेंस में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक रूपता का सिद्धांत। इसमें हमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, देश के नागरिकों, यानी कि देश के लोगों, हम जैसे लोगों पर इस प्रकार से टैक्स, इस प्रकार से कर लगाना चाहिए कि सभी पर एक ही प्रकार का इक्वल भार पड़े, इक्वल टैक्स बर्डन हो, किसी ऊपर कम किसी के ऊपर ज़्यादा ऐसा ना हो, सब पे इक्वल टैक्स बर्डन डिवाइडेड हो, इसी प्रकार से उन्हें टैक्स लगाना चाहिए। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। थर्ड हमारा आ जाता है प्रिंसिपल एडिक्वेसी, यानी कि पर्याप्तता का सिद्धांत। इसमें हमें यह बताया गया कि प्रत्येक प्रशासनिक इकाई को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए, यानी कि वित्तीय सुविधा उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए। पर यह जो व्यवस्था की गई है, इस बात को ध्यान में रखी की गई है कि जब प्रत्येक इकाई को जितना एक्सपेंस करने की अनुमति प्राप्त हुई है, उसी अनुपात में उन्हें आय भी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, तभी कोई काम अच्छे से हो पाएगा। उन्हें केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ही सक्षम है, और प्रांतीय और स्थानीय सरकार को ही उन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, आराम से अपना सब लोग काम करेगा। तो यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी, यानी कि पर्याप्तता का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि प्रशासनिक कुशलता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का मतलब है कि हमारे संविधान में प्रत्येक प्रकार की इकाई को हमेशा कुशल होना चाहिए, प्रशासनिक दृष्टि से उसे कुशल होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार से उनके ऊपर सरकार को कर लगाना चाहिए, इस प्रकार से टैक्स लगाना चाहिए कि सरकार को पर्याप्त आय भी प्राप्त हो जाए और दूसरी ओर उन पर ज़्यादा टैक्स बर्डन, यानी कि कर का भार भी ना हो। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आ जाता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि देश के अंदर जो राज्य विकसित हो चुके हैं, उनके पास वित्तीय संसाधन ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो विकसित के पास तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन है, लेकिन जो पिछड़े राज्य, उनके पास मानवीय साधन तो है लेकिन वित्तीय संसाधन नहीं है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र यह कहता है कि हमें विकसित क्षेत्रों से जितने भी वित्तीय संसाधन हैं, उन्हें उन्हें पिछड़े राज्यों में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो पिछड़े राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक संपन्नता में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लोग भी संपन्न हो जाएंगे। पर अगर सरकार ऐसा काम करती है, तो विकसित राज्य जो कि डेवलप्ड जगह हैं, वहाँ के जो डेवलप्ड स्टेट हैं, वहाँ के लोग विरोध का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे लोग सोचते हैं कि यह जितना भी चीज़ें हैं, वो सब उनकी मेहनत का है, तो उनकी मेहनत से कोई दूसरा क्यों फ़ायदा उठाए। इस विचारधारा की वजह से टोटल डेवलपमेंट, यानी कि फुल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यही है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसमें यह बताया गया कि जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल अपना बजट प्रस्तुत करती है, तो उसी प्रकार से हमारे राज्य सरकार को भी अपना बजट को पेश करना चाहिए। तो ऐसा होगा तो वही लोग अपने अपने वित्तीय संसाधन को अच्छी प्रकार से यूज़ करेंगे,
और देश का बढ़िया से अच्छे तरीके से विकास हो जाएगा, फुल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब बजट ही पेश करना है तो अपने अपने जितने भी संसाधन हैं, जितने जितने भी यूनिट्स हैं जिनका वो यूज़ करके डेवलपमेंट कर सकते हैं, वे लोग बढ़िया से करेंगे, क्योंकि उन्हें लास्ट में बजट पेश करना पड़ेगा। तो यही यही बातें बताता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि संधि प्रबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो कि लास्ट है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता का सिद्धांत। इसमें हमें यह बताया गया है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो जो पब्लिक एक्सपेंस होता है वो जनता की खून पसीने की कमाई होती है, जो कि सरकार को टैक्स के रूप में दी जाती है, जिसकी वजह से सार्वजनिक आय जो सरकार को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो चूंकि ज़्यादा मात्रा में होती है तो उनका जितना विवेकपूर्ण तरीके से सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो सरकारी अधिकारी यह सोचकर उसको स्पेंड यानी कि एक्सपेंस करते हैं, व्यय करते हैं कि जिससे उनका उसमें से कुछ लाभ निकल के आए, उनको उससे प्रॉफिट हो और जनता को उससे कम लाभ प्राप्त हो। तो संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सभी सरकारी अधिकारियों को एक्सपेंस एक व्यक्ति की तरह करना चाहिए। जैसे कि एक व्यक्ति अपने अपने इनकम को खर्च करता है, तो ऐसे भी सरकारी अधिकारियों को जो कि सरकार को हमसे टैक्स के रूप में जो इनकम प्राप्त हो रही है उसे अपना समझ के एक्सपेंस करेंगे तो उसका अपव्यय नहीं होगा, मिसयूज़ नहीं होगा और उससे सबको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। तो यही बात बताई जाती है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता का सिद्धांत। ये लास्ट सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस का। तो इसी प्रकार से हमारा टाइप्स ऑफ फेडरल फाइनेंस ख़त्म हुआ। चूंकि कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में ये बताया, ये बोला था, मुझसे पूछा था कि आप फेडरल फाइनेंस पे भी कोई वीडियो बनाई, तो मैंने ये वीडियो बनाया था। तो होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ चीज़ अगर कुछ में कुछ दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम इन अ बेटर वे। थैंक यू, गुड बाय।